हेलो फ्रेंड्स, वीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो बुक है ये ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसमें भारत देश के छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर हर स्टेट के पीएससी और यूपीएससी तक के सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं 1998 से लेकर वर्तमान तक के। तो यह बुक बहुत इम्पोर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। क्या होता है कि हम कोई भी टॉपिक तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव नहीं लगाते, जिस कारण हमें आगे चलकर प्रॉब्लम होती है। इसको दूर करने के लिए ही हम आज से रेगुलर 1-1 वीडियो बनाएंगे हर टॉपिक के ऊपर। इसमें लगभग 10,000 क्वेश्चन हैं कुल, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, कला संस्कृति और सामान्य विज्ञान, खेलकूद और भविष्य से संबंधित हैं। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता ले रहे हैं, हड़प्पा सिंधु सभ्यता भारतीय इतिहास में। तो एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, आप अपना रिवीजन भी करते जाइए और मिलाते जाइए जो नए नए फैक्ट्स आएंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व क्या कहलाता है? जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के पहले की डेट ईसा पूर्व कहलाती है, और उनके जन्म के बाद की डेट ईसा ईस्वी कहलाती है। तो ईसा पूर्व मतलब जो ईसा मसीह थे उनके 2500 साल पहले से लेकर 1750 साल तक की जो बीच की घटना है, वो हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के समकालीन थी और चीन के समकालीन थी। किसके समकालीन नहीं थी? ग्रीक सभ्यता के। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंध में पाकिस्तान भी सम्मिलित है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ पर मिली है। तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुतकोटदा में। ये सुतकोटदा कहाँ है? तो ये गुजरात में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप मुख्य रूप में किया गया था? तो सैलखेड़ी का उपयोग किया गया था मोहर बनाने के लिए। मोहर बनाने के लिए सैलखेड़ी का उपयोग किया गया था, सैलखेड़ी मोहर बनाने के लिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। ये एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता की ओर व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन से निवासी थे? तो आप सभी जानते हैं कि शहरी निवासी थे, मतलब शहर में रहते थे ये निवासी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है किस किस लोगों को, ईंट और पत्थर में। ईंट से पक्की नालियाँ बनाई गई थी, जबकि पत्थरों से इनके घर बनाए गए थे, ये याद रखना। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सबसे ज़्यादा कपास उगाते थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था, ये हमारे गुजरात में है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यानी मापना और तौल से संबंधित परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो यह खोज हुई थी लोथल में, माप तौल के बारे में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? मतलब हड़प्पा कालीन जैसे अभी वर्तमान में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, वैसे उस समय विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, चार वर्गों में विभक्त था। आगे देखते हैं, ये वर्तमान में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
पहले विद्वान योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभाजित था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते थे? ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं कथन वाले। तो इसका पहला कथन है कि सिंधु सभ्यता के लोग थे, उनके विशाल महल होते थे और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इनमें से सिर्फ दो जो है, दो नंबर पर देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये सही है। इसके अलावा ना उनके विशाल महल मंदिर होते थे, ना भी युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो ये तो 1921 में दयाराम सायनी जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उक्ति के बारे में आया है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, दूसरी गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इनमें सही कौन सी है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। ये पशुपति अपने वर्तमान के शिव जी के समान है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, सामाजिक पद्धति उच्च समतावादी पद्धति। सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो सिंध का नखलिस्तान ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है जो पाकिस्तान में है वर्तमान में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का? अगर हड़प्पा सभ्यता के एरिया की बात करें तो ये ट्रिंगल में मतलब त्रिभुजाकार है। सूची वन और सूची टू को सम्मिलित कीजिए, ये भी यूपीएससी टाइप में आते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगा घग्गर नदी। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। यहाँ पर ये एक नंबर सही हो गया। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये जहाँ से भी जौन से भी साक्ष्य मिले हैं इनको ध्यान रखना। तो हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला? कालीबंगन से। कालीबंगन से हल से जोते हुए खेत मिले हैं और ईंटों का अलंकरण भी मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो अभी बताया था सिंध प्रांत पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, मोहनजोदड़ो में ही सबसे बड़ा बृहत स्नानागार पाया गया है। आगे के देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? मतलब सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा है उसमें कौन से देवता के समतुल्य मिलते? तो आदिशिव के बारे में मिलता। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में कौन सा है? लोथल। ये बंदरगाह भी है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। इसको मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? इसको मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यहाँ पर खुदाई हुई थी तो कंकाल ही कंकाल मिले थे। इस कारण इसको, जो इंसानों के थे ना कि जानवरों के, इसलिए इसको मृतकों का टीला या माउंड ऑफ डेड कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि सिंधु सभ्यता भी लिखा और सिंधु घाटी की सभ्यता लिखा। सही है सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि घाटी के किनारे मिली थी, सिंधु नदी के किनारे। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ?
सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ बैल का, और शेर कहीं भी उत्कीर्ण नहीं हुआ शेर का, ठीक है, याद रखना शेर को भी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है, ये तो बहुत फेमस है, नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित, इन चार ऑप्शनों में से लोथल है, लोथल कहाँ है, गुजरात में, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, ये तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति में। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें 1998 से लेकर अभी तक जो भी इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन सम्मिलित हैं, साथ में जो आने आ सकते हैं क्वेश्चन वो भी सम्मिलित हैं। और अभी ये मैंने चैनल स्टार्ट किया है, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है निम्न में से। असत्य कथन है, नंबर एक, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, जी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। देखिए, नगर नियोजन बहुत अच्छी तरीका से था, नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार भी बहुत होता था, मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी, क्योंकि यहाँ पर जो सत्ता थी वो मातृ सत्तात्मक थी, ना थी पितृ सत्तात्मक। सिर्फ ये था कि लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यहाँ असत्य बताना है। सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, ये ऐसा बना लीजिए, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर में है मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में है दैमाबाद महाराष्ट्र, उत्तर में आलमगीरपुर और पश्चिम में है, सॉरी, ये दक्षिण उत्तर, ये पूर्व में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में है सुतकांगडोर बलूचिस्तान। अब ये देखिए, मांडा जम्मू कश्मीर में अभी देखा था, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो मांडा है चेनाब नदी के किनारे स्थित, चेनाब नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण या पंजाब, रोपण कहाँ है, पंजाब में, किस नदी के किनारे स्थित है, पंजाब जो रोपण है वो सतलज नदी के किनारे है। अब फिर एक क्वेश्चन आ गया कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये बिहार की पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, ये पता चलता है धौलावीरा में, धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। 42वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो आपने पढ़ा होगा लाल मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, और लाल लिखा मतलब कि कौन सा कलर, लाल कलर। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले। अब देखो ये इम्पोर्टेंट आ गया, कुआं कहाँ मिले, जहाँ स्नानागार होगा वहीं कुआं मिलेंगे, तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय शहरों का नाम जुड़ा है वो कौन से थे, दो भारतीय व्यक्तियों का नाम जुड़ा, तो दयाराम सायनी और राखलदास बनर्जी, इन दोनों ने खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता के दो शहरों में। रंगपुर, रंगपुर कहाँ है, सौराष्ट्र में, याद रखना रंगपुर सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में दयाराम सायनी ने, राखलदास बनर्जी ने आदि लोगों ने खुदाई की थी। मैन
व्यक्ति थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किससे मालूम चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता ये दोनों आपस में व्यापार करते थे? तो ये पता चलता है बैल, क्योंकि जो मोहर थी उन पर बैल मिले थे, बैल का चित्रण था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृशक्ति पर, मातृशक्ति की पूजा भी होती थी यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? समुद्र तट पर सुतकोटदा भी है, लोथल भी है, बालाकोट भी है, कोट दीजी नहीं है। निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में मिली विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछ लिया गया है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति अपनाई थी, याद रखना। घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति में था कि प्रत्येक सड़क एक समकोण पर काटती थी। सूची सम्मिलित करनी है कि लोथल में क्या मिला, कालीबंगन में, धोलावीरा में और बनावली में। तो लोथल में मिला था डॉकयार्ड, डॉकयार्ड बंदरगाह, गोदीवाड़ा गए थे, ठीक। लोथल गुजरात में है जहाँ गोदीवाड़ा मिला था। कालीबंगन में जुता हुआ खेत मिले थे। धोलावीरा में 10 चिन्ह मिले थे, आपने देखे भी होंगे पिक्चर पर 10 चिन्ह। और बनावली में पकी हुई मिट्टी की हल्की प्रतिकृति, हल मिला था, आप ये समझ सकते, हल्की प्रतिकृति मिली थी ना कि हल। तो ये 4 चीज़ें मिली थी 4 जगह पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ? हाथी, गैंडा, बाघ, सबका हो गया, सिर्फ कौन बचा था? शेर। शेर का अंकन नहीं हुआ कहीं पर भी। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो बताया था कि लोहा को छोड़ तांबा, कांसा, टिन, सीसा, सोना, चांदी सबसे परिचित थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान, द्विशब संस्कार या डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला? डबल ब्यूरियल मतलब कि जहां पर एक साथ दो लोगों के शव को दफनाया जाता था। तो ये कहां से मिला? लोथल बंदरगाह से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? सिंधु को सिंडन, सिंडन के नाम से जानते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो एक होता निर्यात मतलब बेचना, आयात मतलब खरीदना। तो किन किन चीज़ों का आयात होता था? चांदी का, टिन का और सोने का, तीनों चीज़ों का आयात करते थे ये लोग। हड़प्पावासी लाजवर्द, लाजवर्द क्या कहलाता? भवन निर्माण की सामग्री को लाजवर्द कहते हैं। लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक और सुरतोगोई, ये दोनों संबंधित है अफगानिस्तान से, मुंडीगाक और सुरतोगोई। बासठवां क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल भी था, सुतकांगडोर भी था,
अलाउद्दीन दीनू ये नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन था, क्योंकि बालाकोट है और कुंतास सभी हैं ये, इनको याद रखना। कुछ नाम याद है कुछ नहीं है, जैसे लोथल, सुतकांगडोर, बालाघाट, बालाकोट तो याद रहता, अलाउद्दीनों और कुंतासी ये दो और थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का उल्लेख था? तो व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, इनमें से सभी, तो सभी का उल्लेख था इसमें। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा, नृत्य मुद्रा कह लो, तो ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, नृत्य मुद्रा और पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? ये आपने नहीं पढ़ा होगा, इनको ध्यान रखना। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले, कुत्ते के पंजों के निशान मिले, तो ये कहाँ से मिले? ये मिले चन्हुदड़ो से, चन्हुदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ये मिलता है लोथल से, लोथल गुजरात में है। यहाँ पर पंचतंत्र की लोमड़ी के सदृश चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। ये दोनों कुछ अजीब टाइप के हैं, दोनों को याद कर लेना। एक एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करती है कुत्ते के पंजे, चन्हुदड़ो में, और लोमड़ी संबंधित लोथल, लोथल लोमड़ी, लाला, ऐसा भी याद कर। 68वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? स्वतंत्रता के पश्चात सबसे ज्यादा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में खोदे गए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? इसको अंडरलाइन, नहीं था ये पूछ रहे हैं। तो जौ थी, दालें थी, गेहूं था, चावल नहीं था। ये कथन देखिए, यूपीपीसीएस में आया है ये कथन। कथन ए है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त तो हो गए हैं। सही बात है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, ये भी सही बात है कि जब उनका उत्खनन हुआ था तब प्रकट हुए थे। तो इसका अर्थ है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। 71वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के कथनों पर विचार करना है, ये यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, पहला। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दो है, पहला था, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो लौकिक सभ्यता थी, तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा था, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, वर्चस्वशाली नहीं था। सेकंड है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये ऑप्शन दिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व थे लेकिन उनका वर्चस्व नहीं था, ये सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही, मतलब एक और दो दोनों सही है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, थोड़ी ट्रिकी और दिमाग लगाने वाले थोड़ी। 72वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि उसकी स्थिति कहाँ है, मतलब हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं वो कहाँ स्थित है। जैसे मांडा कहाँ है, बताया था मांडा जम्मू कश्मीर उत्तर, दैमाबाद महाराष्ट्र दक्षिण, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, इनको याद रखे रहना। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, ये भी बताया था, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई।
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर नहीं हुआ प्राप्त, जबकि घोड़ा, गाय, हाथी प्राप्त हो गया। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? देखो यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट हैं जो गलती कर देते हैं, यहाँ पर सर जॉन मार्शल लगा कर आ जाते हैं, इनके नेतृत्व में हुआ था, लेकिन चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था जे एच मैके ने, इनको याद रखना, UPPCS में आया था 2015 का क्वेश्चन। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेलुहा का उपयोग किया गया था, मेलुहा NDA में आया था। तो ये थे हड़प्पा काली हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्वेश्चन, जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं और जो भी बन सकते हैं वो सब किए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको वैदिक संस्कृति के बारे में बताऊंगा, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी, और धीरे धीरे ऐसे करते करते जो 10,000 क्वेश्चन है वो हर टॉपिक के कंप्लीट कर देंगे। आप पहले टॉपिक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिए और अपनी जांच कीजिए कि कितने क्वेश्चन बन गए और कितने क्वेश्चन नहीं बने। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने अभी अभी ये यूट्यूब पर वीडियो बनानी स्टार्ट की है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।